मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन पे एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने मुरादाबाद रेलवे मंडल भर के सभी पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर अचानक एसपी रेल अपर्णा गुप्ता फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन पर स्पेशल स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति वस्तु आदि चीजों की चेकिंग शुरू करवा दी। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद थी। वहीं एसपी रेल से जब बात की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुरादाबाद रेलवे मंडल के सभी थानों को विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और हर संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की चेकिंग करने को भी कहा गया है, जिसका जायजा लेने के लिए एसपी रेल पहुंची थी। 15 अगस्त का पर्व आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं सभी रेलवे स्टेशन के अनुभाग के। आज क्योंकि बस अब 3 ही दिन बच गए हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व को, तो मुरादाबाद का जो जंक्शन है इसमें मैं स्वयं चेकिंग करने आई हूँ। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को जिले की पुलिस से रिक्वेस्ट करके मंगा लिया गया है। हमारे पास मुख्यतः 5 प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर 5 टीम बना के इसकी सघन चेकिंग की जाएगी। सभी को भलीभांति ब्रीफ कर दिया गया है, किसी तरह का हरेसमेंट जनरेट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बस सुरक्षा का भाव जनरेट करना है। आप लोगों को विदित है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक पार्सल बॉम्ब फटा था बिहार में, इसीलिए रेलवेज का स्पेशल जो है चेकिंग होना बहुत जरूरी है। हम पूरे अनुभाग में करा रहे हैं, अभी 2 बार पूरे अनुभाग में इस तरह की चेकिंग हो चुकी है, ये 3री बार हो रही है। इसको अब मैं खुद लीड कर रही हूँ और राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाए। सबको राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।